खरगोन जिले के ग्राम ठीप गांव में एक खेत में करंट की चपेट में आने से बैल जोड़ी की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। कृषक के मुताबिक हादसा खेत में बखर चलाते वक्त विद्युत पोल से सटे तार की चपेट में आने के कारण हुआ है। जबकि बखर चला रहा मजदूर बाल बाल बच गया। हजारों रुपए मूल्य के कीमती बैल जोड़ी की मौत होने पर कृषक ने पुलिस को शिकायत करते हुए विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जेतापुर पुलिस चौकी पहुंचे कृषक खेमराज यादव ने बताया कि उनके खेत में शनिवार को मजदूर तुकाराम गेंदालाल फसल के बीच बखर चला रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे खेत में लगे विद्युत पोल के समीप से बखर चलाते समय बेल स्टेट तार के संपर्क में आने से जोर का झटका लगा और कुछ ही देर में वहीं ढेर हो गए। वहीं तुकाराम की जान भी बाल बाल बच गई। कृषक खेमराज ने आरोप लगाया कि उक्त मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उसके 75,000 रुपए मूल्य के बैलों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ग्राम टिपगा मैंने सवेरे खेत पर कपास में मतलब बखर गिरने के लिए मजदूर भेजा था तो पोल के साइड में जो तान आती है नहीं उससे करंट लगने से दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। और ये लापरवाही एमपीबी की है और मेरे बैल मार्केट हिसाब से 75,000-80,000 रुपये कीमत आज रखते हैं। क्या रिपोर्ट करने आया? हाँ, ये फायदे तो। क्या नाम है तुम्हारा? खेमराज यादव। टिपगांव ग्राम टिपगांव का मामला है। बड़े भैया खेमराज यादव के बैल खेत में हाउस चल रहा था तो एमपीबी की लापरवाही से उसमें करंट आ गया था तो दोनों बैलों की स्पॉट पे ही मौत हो गई है। कैसे पता चला आपको? हाँ जी, उसको इंसुलेटर वहाँ ऊपर चीनी ने लगी हुई है उसमें तो पूरी तान में करंट आ गया तो उसे बैलों का आउट लगने से उनमें मौत हो गई। कीमत क्या होगी बैलों की? कीमत करीबन 1,75,000 कम से कम 1,00,000 से ऊपर होगी। क्या मांग करते हम शासन जी का? मुआवजा दिया जाए इसका। खेती का काम बने कि आप दूसरे बैल लाएंगे जब खेती होगी। मेरा नाम राकेश यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।